नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का एमजेजी एजुकेशन में। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर की सीरीज एक बार फिर से स्टार्ट होने जा रही है। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 1 फरवरी से 7 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में फरवरी 2021 के। तो वीकली करंट अफेयर की सीरीज जब स्टार्ट हो गई है तो आप लोग फिर से लाइक शेयर करना स्टार्ट कर दो। इसकी क्विज भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, क्विज मिलेगी आपको एमजेटी ऐप पर। एमजेटी एजुकेशन ऐप डाउनलोड कीजिए अपने मोबाइल में, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर आपको मिलने वाली हैं। यहीं पर आपको हर एक प्रकार की वीडियो की पीडीएफ फाइल, क्विज, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ डेली करंट अफेयर की क्विज आपको मिलती है, तो आप लोग क्विज जरूर सॉल्व किया करो। चलिए दोस्तों, अब हम लोग शुरू करते हैं, ज़्यादा देर न लगाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे बासमती चावल के लिए GI टैग प्राप्त हुआ? तो दोस्तों, पाकिस्तान ने बासमती चावल के लिए GI टैग अभी हाल ही में प्रदान किया है। बासमती चावल ये पाकिस्तान में ज़्यादा होता है। पाकिस्तान ने दोस्तों अभी आज की करंट अफेयर की वीडियो अगर आप देखे होंगे तो मैंने बताया था, पाकिस्तान ने हिमालयी गुलाबी नमक को दिया है GI टैग। क्या? हिमालयी गुलाबी नमक को, ठीक है, GI टैग पाकिस्तान ने दिया है। अगला, SBI कार्ड के नए MD और CEO कौन नियुक्त किए गए? तो अभी हाल ही में राम मोहन राव को दोस्तों SBI कार्ड्स का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है। ओके, राम मोहन राव आमरा, इनको अगले 2 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है। अगला देखते हैं, पिछले 87 वर्षों में पहली बार BCCI ने किस क्रिकेट टूर्नामेंट को नहीं आयोजित करने का फैसला लिया? तो अभी दोस्तों घोषणा हुई है BCCI के द्वारा कि इस बार पहली बार रणजी ट्रॉफी नहीं आयोजित की जाएगी। पिछले 87 वर्षों में पहली बार ऐसा होगा जब रणजी ट्रॉफी नहीं आयोजित की जाएगी, ठीक है। BCCI का ये फैसला है। BCCI के बारे में जानिए, BCCI का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसके अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली जी। कौन है? सौरभ गांगुली जी हैं, ठीक है। अभी NGO प्लास्टिक की वजह से ये चर्चे में आए थे, दिल की बीमारी की वजह से हार्ट अटैक आया था इनको। अगला देखते हैं, हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन बने? एशियाई क्रिकेट परिषद के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष वो बन गए हैं जय शाह। ये एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बने हैं, ये अमित शाह के बेटे हैं, साथ ही साथ ये BCCI के सचिव भी हैं। अगला देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सगुन नामक योजना शुरू की? तो अभी हाल ही में सगुन योजना शुरू की है दोस्तों पंजाब राज्य सरकार ने। पंजाब राज्य सरकार ने जो हाई स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ने वाली लड़कियां हैं उनको फ्री में सैनिटरी पैड प्रदान करने के लिए ये शुरू की है योजना, सगुन योजना। साथ ही में दोस्तों पंजाब राज्य सरकार ने धिया दी लोहड़ी योजना शुरू की है। कौन सी? धिया दी लोहड़ी योजना, ये भी आपको याद रखना चाहिए। अगला देखते हैं, हाल ही में किसने 10,000 मीटर दौड़ चाल अंडर 20 का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा? तो दोस्तों अभी हाल ही में अमित खत्री ने, किसने? अमित खत्री ने 10,000 मीटर दौड़ चाल का अंडर 20 का नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस दौड़ चाल का प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था दोस्तों तात्या टोपे नगर स्टेडियम भोपाल में। कहाँ पर? तात्या टोपे नगर स्टेडियम भोपाल में, मध्य प्रदेश में। अगला देखते हैं, हाल ही में कहाँ पर मंगल ग्रह का खनिज जारोसाइट मिला? जारोसाइट ये मंगल ग्रह का खनिज है दोस्तों। अभी हाल ही में ये अंटार्कटिका की बर्फ में दिखाई दिया है, ठीक है। कहाँ पर? अंटार्कटिका की बर्फ में खोजा गया है ये जारोसाइट। अब देखिए, ये मंगल ग्रह का खनिज है। मंगल ग्रह का ये खनिज दोस्तों अक्सर गिरता रहता है अंटार्कटिका में, ठीक है। अंटार्कटिका की बर्फ को इसी वजह से टाइम कैप्सूल भी कहा जाता है। क्या? टाइम कैप्सूल भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बर्फ में सदियों पुराने रहस्य मिलते हैं कभी कभी, क्योंकि बर्फ में ढक जाते हैं जो पार्ट गिरते हैं वो बर्फ में ढक गए रहते हैं और सदियों बाद जब उनकी खुदाई होती है तो सारे खनिज यहीं पर मिलते हैं अंटार्कटिका की बर्फ में। तो ध्यान रखिएगा, अंटार्कटिका को टाइम कैप्सूल भी कहा जाता है। अगला देखते हैं, किस देश की सेना ने राष्ट्रपति को हिरासत में लेकर देश की कमान संभाली? तो दोस्तों म्यांमार की सेना ने वहां की राष्ट्रपति को, राष्ट्राध्यक्ष को दोस्तों हिरासत में ले लिया है और देश की कमान संभाल ली है, ठीक है। राष्ट्रपति के साथ साथ जो स्टेट काउंसलर हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। राष्ट्रपति हैं म्यांमार के विन मिंट और स्टेट काउंसलर आंग सान सू की हैं। तो इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है वहां की सेना के द्वारा। उनका कहना यह है कि वहाँ पर जो अभी हाल फिलहाल में चुनाव हुए थे वहाँ पर दोस्तों उस चुनाव में धांधली हुई है, इस वजह से वहाँ की जो सेना है म्यांमार की सेना जिसे तात माडाओ कहा जाता है। क्या? तात माडाओ, ध्यान रखिएगा, तात माडाओ कहाँ की सेना का नाम है? म्यांमार की। तो उसने तख्ता पलट कर दिया है। अगला, अल्ट्रावायलेट रेज से कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा कौन बनी? तो वो बन गई है लखनऊ मेट्रो। अल्ट्रावायलेट रेज से सैनिटाइज कर रही है मेट्रो की कोचेज को, ठीक है। तो लखनऊ मेट्रो ने इसकी शुरुआत कर दी है।
अगला, हाल ही में तीसरी बार वियतनाम के राष्ट्रपति का कार्यकाल किसने जीता? तो गुएन फू ट्रोंग ने। किसने? गुएन फू ट्रोंग ने दोस्तों तीसरी बार वियतनाम में जीता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। इनकी पार्टी जो है कम्युनिटी पार्टी, वियतनाम कम्युनिटी पार्टी, इसने 5 वर्षों के लिए एक बार फिर से कार्यकाल जीत लिया है। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में भारत के किस पूर्व उपराष्ट्रपति ने अपनी आत्मकथा बाय ए हैप्पी एक्सीडेंट लिखी? तो अभी हाल ही में हामिद अंसारी जी ने लिखी है बाय ए हैप्पी एक्सीडेंट नाम की अपनी ऑटोबायोग्राफी। ये भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं हामिद अंसारी जी। ओके अगला देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की टीम ने सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी जीती? सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी तमिलनाडु ने जीती है दोस्तों, और बड़ौदा को हरा करके जीती है। किसे? बड़ौदा की टीम को हरा करके जीता है तमिलनाडु ने। तमिलनाडु ने दूसरी बार जीता है, इससे पहले 2006-07 में इसने जीता था। कब? 2006-07 में जीता था तमिलनाडु की टीम ने, और एक बार फिर से जीत लिया है सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी। ये क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी है, और क्रिकेट से संबंधित जितनी भी ट्रॉफियां होती हैं उनके लिए मैंने ट्रिक बना करके आपको दी हुई है। तो आप लोग को क्या करना है, MZT ऐप ओपन करना है, वहां पर MZT ट्रिक की सेक्शन में जाना है, या फिर आपको वीडियो सेक्शन में जाकर के सर्च कर लेना है सिंपली ट्रिक वीडियो या क्रिकेट ट्रिक वीडियो। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने जुल जनाह नामक अपना सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में ईरान ने लॉन्च किया है जुल जनाह नामक अपना सबसे पावरफुल रॉकेट। 1 फरवरी 2021 को इसने लॉन्च किया है। ये दोस्तों ईंधन के साथ साथ सैटेलाइट को भी कैरी कर सकने वाला रॉकेट है। तो इसका अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है ईरान के द्वारा, ठीक है, इसकी लॉन्चिंग की गई है। ईरान के बारे में अगर बात करें तो ईरान की राजधानी है तेहरान। हसन रूहानी जी इसके हैं करंट टाइम पर प्रेसिडेंट, और यहाँ की मुद्रा दोस्तों अब हो गई है तोमान। क्या? तोमान, पहले थी रियाल, अब हो गई है तोमान। अगला देखते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में जस्टिस डिलीवरी में शीर्ष पर कौन है? जस्टिस डिलीवरी में शीर्ष पर कौन है? तो वो है दोस्तों महाराष्ट्र, यानी लोगों को न्याय दिलाने में टॉप पर है महाराष्ट्र। सेकंड पर कौन है? सेकंड पर है तमिलनाडु, और थर्ड पर है तेलंगाना। ठीक है, देखिए इसका इस बार का सेकंड एडिशन जारी किया गया है जस्टिस डिलीवरी रिपोर्ट का। ओके, भारत में लोगों को न्याय प्रदान करने वाले राज्यों की लिस्ट है ये। अगला देखते हैं, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को दोस्तों वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। और इसकी थीम दोस्तों 2019 से लेकर के 2021 तक की थीम है आई एम एंड आई विल। क्या? आई एम एंड आई विल। कब से शुरू हुआ मनाया जाना? 2000 से, सन 2000 से मनाया जाना शुरू हुआ है। ओके अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो दोस्तों ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने अपना हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना है आत्मनिर्भरता को। किसे? आत्मनिर्भरता को 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। अब कुछ और भी वर्ड हैं, जैसे 2019 में इसने क्लाइमेट इमरजेंसी वर्ड चुना था। क्या? क्लाइमेट इमरजेंसी वर्ड चुना था, ठीक है, वर्ड ऑफ द ईयर चुना था। और अभी कॉलिंस डिक्शनरी ने, कॉलिंस डिक्शनरी भी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की तरह ही एक संस्था है, और इसने लॉकडाउन को चुना था अपना वर्ड ऑफ द ईयर। किसे? लॉकडाउन को। और dictionary.com ने पैंडेमिक को चुना है, पैंडेमिक को dictionary.com ने चुना है। ये सभी आपको याद रखना चाहिए। अगला, अमेजन के नए CEO कौन बने? अमेजन के नए CEO बन गए हैं एंडी जैसी। कौन? एंडी जैसी। ये आए हैं जेफ बेजोस की जगह पर। जेफ बेजोस अब CEO नहीं है अमेजन के, ध्यान रखना है। जेफ बेजोस अमेजन के फाउंडर हैं और दुनिया के अब दोबारा दूसरे नंबर पर आ चुके हैं सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में, ठीक है। अभी एलन मस्क एक बार फिर से टॉप पर आ गए हैं, अभी लेटेस्ट रिपोर्ट है एलन मस्क एक बार फिर से टॉप पर आ गए हैं, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, और जेफ बेजोस दूसरे स्थान पर आ गए हैं। तो फिलहाल एंडी जेसी जो हैं ये अमेजन के नए CEO होंगे। अमेजन की स्थापना हुई थी 1994 को। अगला, भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी? तो आयशा अजीज दोस्तों बन गई हैं भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट। ये हैं जम्मू एंड कश्मीर की, 25 वर्ष की इनकी उम्र है, और ये बन गई हैं भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट। अगला देखते हैं, भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ बनाया गया? तो ये बनाया गया हैदराबाद में, भारत का पहला डॉग पार्क। पालतू कुत्तों के लिए ये विशेष रूप से पार्क बनाया गया है 1.1 करोड़ की लागत से। अगला देखते हैं, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के दोबारा अध्यक्ष कौन बने? अजय सिंह बन गए हैं दोस्तों बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के दोबारा अध्यक्ष। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1949 में, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और अब दोबारा अध्यक्ष बन गए अजय सिंह। अगला देखते हैं,
EIU द्वारा जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत आ गया है दोस्तों 53वें स्थान पर। पिछली बार था भारत 51वें स्थान पर, इस बार 53वें स्थान पर आ गया है 6.61 पॉइंट के रेटिंग से। ठीक है, 6.61 पॉइंट के रेटिंग से। अब देखिए भारत की रैंकिंग दोस्तों ये हो गई। इससे पहले अगर बात करें भारत के आसपास की जो देश हैं उनकी रैंकिंग कितनी है, तो दोस्तों पाकिस्तान है 105वें स्थान पर, श्रीलंका है 68वें स्थान पर, बांग्लादेश है 76वें स्थान पर। टॉप पर अगर बात करें तो टॉप पर है नॉर्वे, सेकेंड पर है आइसलैंड और थर्ड पर है स्वीडन। टोटल 167 देश इस लिस्ट में जारी किए गए थे, शामिल किए गए थे EIU इंडेक्स में। EIU का मतलब होता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। ओके, चलिए अगला देखते हैं। भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास नामक सैन्य अभ्यास का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच में ये अभ्यास राजस्थान में आयोजित हुआ है। युद्ध अभ्यास नाम का ये अभ्यास होता है, एक्सरसाइज का नाम ही है युद्ध अभ्यास, भारत और अमेरिका के बीच में होता है। इस बार इसका 16वां संस्करण है। ठीक है, 8 फरवरी से 21 फरवरी के बीच में ये आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्विच दिल्ली अभियान शुरू किया? तो दोस्तों अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के सीएम हैं, इन्होंने स्विच दिल्ली कैंपेन शुरू किया है। इस कैंपेन का मकसद क्या है? इस कैंपेन का मकसद ये है कि लोगों को इस प्रकार से अवेयर करना कि वो डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों को छोड़ करके स्विच करें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करें ज़्यादा से ज़्यादा और इलेक्ट्रिक वाहनों को ही खरीदें आने वाले दिनों में। ठीक है, जिससे प्रदूषण को कम किया जा सके दिल्ली में। अगला, हाल ही में किसे जायद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? जायद पुरस्कार 2021 तो अभी हाल ही में इससे सम्मानित किया गया दोस्तों एंटोनियो गुटरेस को और लतीफा इब्न जियातेन को। यानी उपरोक्त दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। एंटोनियो गुटरेस कौन है ये आपको बताने की जरूरत है नहीं, यूएनओ के महासचिव हैं, अक्सर चर्चे में आते रहते हैं। लतीफा इब्न जियातेन जो है ये फ्रांसीसी मोरक्को कार्यकर्ता है। तो इन दोनों को जायद पुरस्कार दिया जाएगा, जायद अवार्ड फॉर ह्यूमन फर्टिनिटी 2021 का अवार्ड। ठीक है, और इस अवार्ड की पुरस्कार राशि है $5,00,000। कितना? $5,00,000 है पुरस्कार राशि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आरबीआई की नई मौद्रिक नीति में रेपो रेट को कितना रखा गया है? तो दोस्तों आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, इसकी जो मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी है, इसने नई मॉनेटरी पॉलिसी जारी की है और इसने एक बार फिर से घोषणा की है कि अब रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में इस बार भी कोई चेंजेस नहीं किए जाएंगे। जितना रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट था उतना ही रहेगा। रेपो रेट था 4.00% और रिवर्स रेपो रेट था 3.35%, तो ये उतना ही बरकरार रहेगा। तो इसकी घोषणा किसने की है? जो मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी जो होती है उसके जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष कौन होते हैं? जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं। कौन है वो? वो हैं शक्तिकांत दास जी, आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं ये। ठीक है, आपको कई बार बताया गया है ये जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, यही डिसाइड करती है भारत में महंगाई कितनी बढ़ेगी कितनी घटेगी। ठीक है, इसमें 6 सदस्य होते हैं, 3 सदस्य सरकार की तरफ से होते हैं और 3 सदस्य आरबीआई की तरफ से होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा की? तो डेनमार्क ने घोषणा की है कि वो दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाएगा, एनर्जी आइसलैंड बनाएगा। ठीक है, कहां पर? उत्तरी सागर में ये बनाएगा, जिससे यूरोपीय देशों में लगभग 3 मिलियन घरों की इलेक्ट्रिसिटी आपूर्ति पूरी की जा सकेगी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी नीड की पूर्ति की जा सकेगी। अब इसका साइज दोस्तों होगा 1,20,000 मीटर स्क्वायर, जो कि लगभग 18 फुटबॉल के मैदानों के बराबर है। इसकी क्षमता की बात करें तो कैपेसिटी होगी 5 गीगावाट उत्पन्न करने की। कितना? 5 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करने की। हालांकि ये कैपेसिटी आगे चलकर बढ़ा करके 12 गीगावाट तक की जाएगी। अगला, हाल ही में किसने दुनिया के पहले हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट बनाने की घोषणा की? तो दोस्तों अभी हाल ही में HAL ने घोषणा की है कि वो दुनिया का पहला हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट बनाएगा। ठीक है, जिसका नाम होगा CATS वॉरियर्स। क्या नाम होगा? CATS वॉरियर्स नाम का ड्रोन बनेगा। ठीक है, और ये जो होगा ये फाइटर प्लेन से कंट्रोल हो सकेगा। तो अब हमको युद्ध करने के लिए, एयर स्ट्राइक करने के लिए किसी दूसरे देश में घुस करके करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब इस देश, हम लोग अपने बॉर्डर पर ही रहेंगे, अपने ही देश में रहेंगे, ड्रोन जाएंगे, अपना काम तमाम करके चले जाएंगे। अगला, ई कैबिनेट लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो वो बन गया है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने अपनी कैबिनेट की पूरी प्रक्रिया पेपरलेस कर दी है। ठीक है, तो ई कैबिनेट लागू करने वाला ये पहला राज्य बन गया है। अगला, हाल ही में किस बैंक ने बच्चों के लिए फेड फर्स्ट बचत खाता योजना शुरू की?
तो अभी हाल ही में फेडरल बैंक ने शुरू की है ये योजना, फेड फर्स्ट बचत खाता योजना। इसके तहत क्या होगा, इसके तहत 18 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके अंदर बचत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, उनको बचत करने के लिए क्षमता जनरेट की जाएगी, एक आदत बनाई जाएगी, ठीक है, जिससे वो सेविंग कर सके। तो इसके लिए उनको एक अकाउंट खोलने के लिए इनकरेज किया जाएगा। तो वो फेड फर्स्ट बचत खाता योजना होगी, जीरो बैलेंस पर ओपन हो सकेगा अकाउंट। अगला, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, इसके नए अध्यक्ष दोस्तों बन गए हैं SN सुब्रमण्यम। कौन? SN सुब्रमण्यम। ये दोस्तों LNT के MD और CEO हैं। LNT आप लोग नाम सुने होंगे, भारत की सबसे बड़ी ये निर्माता कंपनी है। LNT ने ही तो दोस्तों बनाया है उसको, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो है गुजरात में, इसी ने बनाया है, ठीक है। अगला देखते हैं, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली चौथी महिला कौन बनी, तो चौथी महिला बन गई हैं लीजा स्थालकर। कौन? लीजा स्थालकर। ये दोस्तों 2001 से लेकर के 2013 तक क्रिकेट में रही, यानी क्रिकेट का करियर इनका रहा। अभी हाल ही में इनको ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। वनडे मैचों में ये 1000 से ज्यादा रन और 100 विकेट लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी थी। साथ ही साथ इनके क्रिकेट करियर के दौरान ऑस्ट्रेलिया की जो महिला टीम है उसने 4 बार वर्ल्ड कप जीता हुआ है, ठीक है, वर्ल्ड कप का विनर रहा है, तो उस टीम में ये शामिल रही हैं। तो इन्हें अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, क्लियर। तो बस दोस्तों ये तो था फरवरी महीने के फर्स्ट वीक का वीकली करंट अफेयर। आई होप आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से रिवाइज किया होगा। इसकी आप क्विज भी पा जाएंगे MZT ऐप पर। क्विज आपको डेली करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर और वीकली करंट अफेयर की भी मिलती है। साथ साथ जितनी वीडियोज आती हैं उन सब की क्विज आपको मिलती है MZT ऐप पर। और अब तो डेली करंट अफेयर की क्विज आपको एक्सप्लेनेशन के साथ दी जाने लगी है। तो आप लोग अगर डेली करंट अफेयर ना भी देख पाते हो, सिर्फ क्विज ही अगर सॉल्व कर लेते हो, तब भी आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिल जाया करेगा। तो आप लोग MZT ऐप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करो और क्विज वगैरह सॉल्व करो, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों इसकी PDF डाउनलोड करना मत भूलना। PDF आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम MZT एजुकेशन पर। MZT एजुकेशन नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। उस ग्रुप में दोस्तों सभी PDF भेजी जाती हैं, अभी भी बहुत सारी PDF भेजी गई है, तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।